छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की आज चौथी पुण्यतिथि है। एक्टर को मरे हुए अब 4 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 20 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर सबके चहेते सुशांत ने अपनी जान दे दी थी। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। जिसने भी ये खबर सुनी उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सुशांत अपनी फैमिली के बहुत करीब थे। वो अक्सर अपनी बहन और माँ से बात करते रहते थे और घर भी जाते थे। मरने से 2 दिन पहले भी सुशांत ने अपनी बहन से बात की और उन्हें बताया कि वो बहुत परेशान हैं। वो उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी बहन ने भी उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद सुशांत के मरने की खबर उन तक पहुंच गई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुशांत ऐसा भाई था जो अपनी परेशानियों के बारे में अपने परिवार को नहीं बताता था। चाहे उसे कोई भी दिक्कत हो, वो फैमिली को उससे दूर रखता था। बहन ने खुलासा किया कि उनका भाई किसी बात से बहुत परेशान था, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं करता। वो कोरोना की वजह से अमेरिका अपनी बहन के पास नहीं जा पाए, वरना वो आज हमारे बीच जिंदा होते। कहा गया था कि सुशांत परेशान थे, लेकिन असल में उस दिन क्या हुआ था इसका अंदाजा आज भी किसी को नहीं है। आज भी उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हैं। श्वेता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट शेयर की, साथ में कैप्शन में लिखा, भाई 4 साल हो गए हैं तुम्हें हमें छोड़कर गए हुए। हमें आज भी नहीं पता कि 14 जून 2020 को क्या हुआ था। तुम्हारी मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। मैं हारा हुआ महसूस कर रही हूँ और सच को जानने के लिए अधिकारियों का दरवाजा बार बार खटखटा रही हूँ। मेरा धैर्य टूट रहा है और मैं हार मान रही हूँ, लेकिन आज मैं एक आखिरी बार सभी से पूछती हूँ कि दिल पर हाथ रखकर बताओ कि हम अपने भाई सुशांत के साथ क्या हुआ उसे जानने का हक नहीं रखते। श्वेता ने कहा कि सुशांत के साथ जो हुआ उन्हें सीधे शब्दों में बता दिया जाए ताकि उनका परिवार आगे बढ़ सके। सुशांत की मौत का आज तक ये पता नहीं चला कि वो हत्या थी या आत्महत्या। एक्टर की मौत के बाद 2 बातें निकलकर सामने आई कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, किसी ने उनका मर्डर किया है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, ये राज सुशांत के साथ ही चला गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।